रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने मारी एक साथ एंट्री, अरमान जैन के वेडिंग सेलिब्रेशन पर हुए स्पॉट। बॉलीवुड गानों पर थिरकते हुए नजर आए सेलिब्रिटीज, करण जौहर, करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर की हुई स्पेशल परफॉर्मेंस। वरुण धवन और नताशा दलाल और मलाइका एंड अर्जुन कपूर ने भी मारी कपल एंट्री, अरमान जैन के शादी के सेलिब्रेशन पर दिखे ये क्यूट कपल। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने किया दीपिका पडुकोण और SRK को रिप्लेस। रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस पार्ट 2 में दिख सकते हैं दोनों। सोर्सेस का कहना है, रोहित शेट्टी ने नेहा धूपिया के चैट शो पर बताया कि अगर वो कभी चेन्नई एक्सप्रेस का दूसरा पार्ट बनाएंगे तो इसमें वो कार्तिक आर्यन और सारा अली खान को लीड रोल में कास्ट करना चाहेंगे। सलमान खान द्वारा होस्टेड बिग बॉस शो की फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने किया है इस शो को स्लैम। कहा, लोग इस तरह की हिंसा का मजा क्यों ले रहे हैं? ये मजाक नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें मजा नहीं आएगा। ये हमारे लिए तब तक ही एंटरटेनमेंट है जब तक ये दूसरों के साथ होता है। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने की गुजराती में बात, देखिए क्या कहना है उनका। अभी कहाँ जा रहे हैं? कल ले का किसी को नहीं पता, नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कल आज क्या हो रहा है। अब हम जा रहे हैं कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, ईशान खट्टर, अनन्या पांडे हुए स्पॉट। डालिए उन क्यूट मोमेंट्स पर एक नजर। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 का होगा कल ट्रेलर आउट। फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज। देखना होगा कि कैसा होगा फैंस का इस पर रिएक्शन। रंगोली चांडेल ने किया ट्विटर पर एक अनोखा फैन मेड पोस्टर शेयर, जिसमें की जा रही है कंगना रनौत की तारीफ। वही दीपिका और तापसी को किया स्लैम। आखिर क्या लिखा है उस पोस्टर पर, डालिए एक नजर। हॉट कपल फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर मना रहे हैं मॉल्डीव्स में वेकेशन। शेयर किए कुछ बूमरांग वीडियोस, डालिए एक नजर।